अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज हम आपके साथ फिरनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं फ्रेंड। रेडीमेड पैकेट से बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। कोई मेहमान आए हो या आपका मीठा खाने का मन हो तो फटाफट आप ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। इतनी ज़बरदस्त बनती है ना रेडीमेड पैकेट से, तो आप ज़रूर से ट्राई कर लीजिए। अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, आपका कभी कुछ मीठा खाने का मन हो तो फटाफट आप ट्राई कर सकते हो, या कोई मेहमान आए तो उनके सामने बनाकर इस तरह से मीठा सर्व कीजिए। तो चलिए झटपट देख लेते हैं रेडीमेड पैकेट से हम फिरनी कैसे बनाए। तो ये वाली ली हमने पिस्ता फ्लेवर वाली। तो हर फ्लेवर आता है, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप ले सकते हो। तो हमने पिस्ता फ्लेवर वाली ली है। तो चलिए इसके अंदर किस तरह से पैकेट निकलता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको खोल दिया है, तो इस तरह का इसके अंदर से पैकेट निकलता है। और इसके अंदर सब कुछ होता है, हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ इसके अंदर होता है। तो ये देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप आपके हिसाब से ले सकते हो फ्रेंड। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट में इसको डाल दिया है। आधा लीटर हमने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, दूध में बॉईल आ चुका है। फुल क्रीम दूध ले लीजिए आप, बहुत ज़बरदस्त बनती है फ्रेंड्स फिरनी। तो ये देख लीजिए, दूध में बॉईल आ चुका है, अच्छे से बॉईल आने दीजिए। एक बार इसको इस तरह से चला दीजिए, और फिरनी का जो हमने आपको दिखाया है ना इस तरह से खोल कर पैकेट, तो ये पैकेट इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। शुगर वगैरह सब कुछ इसके अंदर होता है, राइस वगैरह सब कुछ होता है फ्रेंड्स। इतनी ज़बरदस्त लगती है ना, इतनी झटपट बनकर तैयार हो जाती है ना, बहुत ही लाजवाब बनती है। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, बनाते भी होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है वो हमारा वीडियो देखकर एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने डाल दिया, अच्छे से इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा इसको हमें पकाना होता है। अभी देख लीजिए इसमें राइस कैसे दिख रहे हैं और पकने के बाद कैसे दिखेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट का चूरा भी ऐड कर लिया है फ्रेंड्स। तो पिस्ता वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा कूटकर ऐड कर लिया है। अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे। बस ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी। अभी आप राइस देख लीजिए, चम्मच के ऊपर थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा और बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त लगती है ना फ्रेंड्स ये फिरनी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा बनती है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए हो, आपको कुछ मीठा बनाना हो तो आप ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स एक बार। तो ये देख लीजिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। इस तरह से इसको लगातार चलाते रहना, इस तरह से इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए गैस हमने बंद कर दिया है और इसको नीचे ले लिया है यहाँ पर किचन काउंटर पे। यहाँ पर जिसमें भी आपको जमाना है, छोटी छोटी कटोरियों में, इस तरह से प्यालों में, जिसमें भी आपको जमाना है आप आपके हिसाब से इसको सेट करने के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने प्याली ले ली है, छोटे छोटे हमारे पास बाउल्स थे वो वाले भी ले लिए हमने। तो इस तरह से इसको आपको जमने के लिए रखना है। तो सभी प्याले में हम डाल देंगे, आप छोटे छोटे प्याले में, कटोरी में, जिसमें भी आपको जमाना है आपकी मर्ज़ी है फ्रेंड्स, आप जमा सकते हो। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये जम जाती है, सेट हो जाती है। तो फटाफट सभी में हम डाल देंगे, तो कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना माशाल्लाह। तो सभी में हमने डाल दिए, थोड़े से बादाम और पिस्ते से हमने इसकी गार्निशिंग कर ली। अभी हम इसको रख देंगे फ्रिज में, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, 1 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं। तो 1 घंटा हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, ये देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये सेट हो चुकी है। आप देख लीजिए बहुत अच्छे से ये जम जाती है, आप देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स खाने में। तो ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देख रहे हो कितने अच्छे से ये सेट हो चुकी है, और जो 2 प्याले थे वो हमारे ख़त्म भी हो चुके हैं, बच्चे लोगों ने उसको खा भी लिए है। तो ये इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई करना फ्रेंड्स। और कैसी लगी रेसिपी कमेंट ज़रूर करना, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, आपके फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर देना। पहली बार चैनल पर आई गए फ्रेंड तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आपको इसी तरह की इजी सिंपल सी रेसिपी आगे हमारे चैनल पर देखने मिलेगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।